हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्र और आज का टॉपिक है इंडक्शन कुकटॉप का सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी। यह हमारा एक इंडक्शन कुकटॉप का यूनिवर्सल सर्किट बोर्ड है, उसी के बारे में हम आपको समझाएंगे। ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी सर्किट है और यह यूनिवर्सल बोर्ड है, जो मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ये हमारा पीसीबी खराब हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या कौन कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है। और हमारा ये पीसीबी ओके है, सही कंडीशन में है और यह चालू कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो सबसे पहले एक IGBT खराब है, आप देख सकते हैं IGBT, जिसमें 3 पिन होते हैं, गेट, कलेक्टर, इमीटर। यह एक ट्रांजिस्टर के ग्रुप है, एक ट्रांजिस्टर जैसे है IGBT, जिसके 3 पिन होते हैं, गेट, कलेक्टर, इमीटर। यह हमारा IGBT शॉर्ट हो चुका था और उसके बगल में एक रेक्टिफायर लगा था जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यह 2 कंपोनेंट शॉर्ट हो चुके थे जिसके कारण यह PCB खराब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस का लेग टूटा हुआ है, जिसका वैल्यू है आप देख सकते हैं रेड, ब्लैक, रेड, गोल्ड। इसका मतलब इसका वैल्यू है 2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, जिसका कोड नंबर है R15R15। फिलहाल इसमें 3 कंपोनेंट खराब है। मैं आपको बता दूं कि IGBT और ब्रिज रेक्टिफायर कैसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगा था IGBT और रेक्टिफायर, उसको मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इस प्रकार होता है IGBT। ये हमारा IGBT है और ये रेक्टिफायर है और यह हीट सिंक से कनेक्ट है। और IGBT का 3 पॉइंट है 1, 2, 3, गेट, कलेक्टर, इमीटर। और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 पॉइंट होते हैं, 2 AC के पॉइंट होते हैं 1, 2 और 2 DC के पॉइंट होते हैं प्लस और माइनस। और IGBT के इमीटर पॉइंट और ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट कनेक्ट होते हैं। ये हमारा सर्किट ओके है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड में आपको पता चल गया होगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको कुछ कुछ मेन कंपोनेंट के बारे में बता दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यह क्वाइल का इनपुट पॉइंट है और यह क्वाइल का आउटपुट पॉइंट है। क्वाइल में के इनपुट पॉइंट में
320 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं और उतने ही वोल्ट आउटपुट में मिलता है। जितना इनपुट में दोगे उतना आउटपुट में ही मिलता है 320 वोल्ट डीसी सप्लाई। और दो बड़ा कैपेसिटर है ब्लैक कलर में, अब इसका वैल्यू देख सकते हैं। चार माइक्रो फैराड 400 वोल्ट का डीसी सप्लाई आप देख सकते हैं, 4 mF और 400 वोल्ट का डीसी सप्लाई। और आप देख सकते हैं जो दूसरा कैपेसिटर है उसका वैल्यू है 0.25 माइक्रो फैराड जे 1200 वोल्ट डीसी सप्लाई और 50 किलो हर्ज 15 किलो हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी है। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 0.27 माइक्रो फैराड जे 1200 वोल्ट 15 किलो हर्ज। और यहाँ से न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देते हैं, 230 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और इसमें आपको टोटल 3 जैक देखने को मिलते हैं। एक फैन का है, एक टेम्परेचर सेंसर जिसको हम टॉप सेंसर भी बोलते हैं, और ये हमारा कंट्रोल पैनल डिस्प्ले का है। ये हमारा फैन का जैक 18 वोल्ट सप्लाई में वर्क करता है, काम करता है, और टॉप सेंसर टेम्परेचर सेंसर 5 वोल्ट में काम करता है। और हमारा यहाँ पास 2 IC लगे हैं, एक माइक्रो कंट्रोल IC और एक बाइपर 12A IC। आप देख सकते हैं जो बाइपर 12A IC है वो 8 पिन का है और जो माइक्रो कंट्रोल IC है वो 16 पिन की IC है। इसमें कुछ और कंपोनेंट लगे हुए हैं जैसे कि कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, डायोड और बजर। और ये हमारा एक प्रकार का कॉइल है, इसमें कई प्रकार का कैपेसिटर लगे हैं जैसे कि सिरामिक कैपेसिटर, पॉलिस्टर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा है जो कि इसका वैल्यू है 78L05 का वोल्टेज रेगुलेटर IC लगा है। इसमें टोटल 4 ट्रांजिस्टर लगा है, SS8050, SS8050, SS8550 और SS8050। और यहाँ पास एक जेनर डायोड लगा है 18 वोल्ट का। आप इस बोर्ड में एक नया IGBT ब्रिज रेक्टिफायर और 2K का रेजिस्टेंस लगाकर इसको ओके कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। IC के 1 नंबर पिन में ये दोनों का वोल्टेज जाता है और 16 नंबर पिन में ये दोनों का वोल्टेज जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ कंट्रोल पैनल डिस्प्ले के साथ वीडियो लाऊंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ कंट्रोल पैनल डिस्प्ले के साथ वीडियो लाऊंगा, उसका वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा।
मेरा ही एक और चैनल है, टेक्निकल चैनल, जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है मनीष चंद्रा ब्लॉग। वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल में जितना भी नए कंपोनेंट के बारे में और नए पीसीबी के बारे में बताया गया है, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा। वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी चले। धन्यवाद।